देखिए, इस देश के प्रत्येक नागरिक को ये अधिकार है कि वो अपने बचाव के अंदर जो भी ऑप्शन है उसके अंतर्गत वो प्रयास करें। मुझे बहुत आश्चर्य है कि एक उनको एक्यूर बनाया गया जिस रूप में छापेमारी हो रही है जिसकी आवश्यकता नहीं थी। पी चिदम्बरम की सेवाएं कई दशकों की सेवाएं देश के लिए, विभिन्न पदों पर रह के कॉमर्स मिनिस्टर, वित्त मंत्री, गृह मंत्री रहे वो, ऐसे व्यक्ति के लिए जिस प्रकार से वेंडेटा को आधार बना करके जो कार्रवाई की जा रही है, एजेंसियों पे दबाव है, चाहे CBI हो चाहे वो ED हो, वो साफ नज़र आता है। वरना कोई कारण नहीं है कि जो ऑप्शन खुला सुप्रीम कोर्ट का, किसी भी कोई एक्यूज भी बनता है, एक्यूज बनता है तब भी जो ऑप्शन है वो पूरा उपयोग करता है। लोअर कोर्ट से जाते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट से हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। तो अगर ये हर नागरिक को अधिकार है कि वो अपने जितने ऑप्शन हैं उसको उपयोग करे, उसके बाद में जो फैसला हो उसके बाद में कोई मान लो कोई फैसला नहीं मानता है, एब्सर्ड होता है, तो फिर आप उसके ऊपर दोष दे सकते हो। अभी ऑप्शन खुला है सुप्रीम कोर्ट का, उसके पहले जिस रूप में एजेंसियाँ रात भर घर जा रही थी, चस्पा कर रही थी, 2 घंटे के नोटिस में बुला रही थी, उसकी आवश्यकता नहीं थी। और तो और सुप्रीम कोर्ट में जाके आप केविट फाइल किया आपने, वो आपके आपका अधिकार हो सकता है। परंतु एक ऐसे व्यक्ति को जिसने कई दशकों तक सेवा की देश की, उसके ऊपर जिस रूप में एक दबाव डला के एजेंसियों पर जो कार्रवाई करवाई जा रही है, मैं समझता हूँ ये अच्छे संकेत नहीं, देश के लिए अच्छे संकेत नहीं है। दिल्ली में बड़ा कार्यक्रम, राजीव गांधी जी की 75वीं जो वर्षगांठ है उसको कांग्रेस बड़े रूप में मना रही है। कल पूरे देश के कांग्रेस इकट्ठे होंगे वहाँ पर। राजीव गांधी का जो योगदान था, जिस रूप में IT की क्रांति आज देश में, मोबाइल फोन और इंटरनेट और कंप्यूटर आई, तो वो राजीव गांधी की जो सोच थी, 73-74 संविधान में संशोधन हुए तो पंचायत और स्थानीय निकायों के चुनाव टाइम पर होने लग गए। जिस रूप में उन्होंने 21st सेंचुरी में जाने की बात कही, देश को ले जाने की बात कही, आज मुल्क में वो माहौल बना है कि दुनिया लोहा मानती है हमारा, हम भी विकसित राष्ट्र बनने की श्रेणी में आ सकते हैं। ये जो उस वक्त में राजीव गांधी जी की सोच थी, उसका परिणाम है कि आज देश वो तैयारी कर रहा है या तैयारी कर सका है। तो मेरा मानना है कि वो महान नेता थे और 42 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बन गए। वो दुर्भाग्य से वो हमारे बीच नहीं रहे, पूरी यादें हमारे बीच में हैं। और जो उनके संदेश थे, जो उनके सोच थी 21st सेंचुरी में देश को मजबूत करने की, उस पर हम सबको देशवासियों को काम करना चाहिए।